शुरुआत करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार के साथ। आज बाजार ने आखिरी घंटे में सारी तेजी गवा दी। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 221 पॉइंट टूटा है। निफ्टी की बात करें 10,800 के नीचे फिसल कर ये आज बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट नीचे ये फिसला है, जबकि मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में आकर आज बंद हुए हैं। लेकिन विस्तार से बाजार की चाल पर बात करते हैं। हमारी सहयोगी अर्शदा सावंत हमारे साथ जुड़ गई हैं। बाजार का हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार के लिहाज से, अर्शदा ये बताएं कि उठापटक कहां देखी हमने सबसे ज्यादा? देखिए आज इंडेक्स के गेनर्स सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि दिन तो था तेजी का और चौतरफा खरीदारी ही हो रही थी। भारतीय एयरटेल आज सुबह में करीब मजबूत खुला, 3% पर जाकर टिका है। बजाज फाइनेंस, हिंडालको, डॉक्टर रेड्डीज जैसे दूसरे खिलाड़ी थे जहां पर खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए। लेकिन बैंकों में आज देखिए कहां पर दबाव आया, क्योंकि यही इंडेक्स सबसे पहले फिसलने लगा था। उज्जीवन टूटा 2%, डीसीबी में 2% का नुकसान और दिग्गजों में आईसीआईसीआई बैंक 0.5% से ज्यादा गवाए इसने, और यस बैंक पे भी हमने देखा 0.5% तक की गिरावट रही। हालांकि तेजी की पोजीशंस आज सीमेंट कंपनियों में थी। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, सागर सीमेंट, दालमिया भारत जैसे काउंटर्स में कुछ खरीदारी जरूर नजर आई। मिड कैप पर आते हैं और मिड कैप में आखिरी एक घंटे का जो स्टार परफॉर्मर था वो रहा वालचंद नगर। यहाँ पर लगभग 15% का उछाल। अलेम्बिक फार्मा, बलरामपुर चीनी, सुवन लाइफ साइंसेज ये दूसरे काउंटर्स रहे हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस आई। लेकिन आखिर में क्योंकि बाजार थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी की तरफ फिसला और डे हाई को नहीं होल्ड कर पाया, देख लेते हैं इंडेक्स लूजर्स में क्या क्या था। पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, यूपीएल और इंडसइंड बैंक आप देखेंगे सुबह में ज्यादा तेजी थी। फाइनल क्लोज हमने देखा है 1% के नीचे का रहा है। कुल मिलाकर अब बड़ा ट्रिगर तो तभी आएगा जब विदेशी बाजारों में कुछ बड़ा हो, और ऑफ कोर्स कल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही होगी कि किम जोंग उन और ये क्या निकल कर आता है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन अब कल के लिए अहम ट्रिगर्स बाजार के लिए क्या क्या है, दुनिया भर के बाजारों की नजर तो अहम बैठक पर है। लेकिन प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं विस्तार से इस पर बात करने के लिए। प्रदीप, ये बताएं कि अब बाजार की चाल कल कहाँ कहाँ निर्भर करती है? कल की सबसे अहम घटना जिस पर सारी दुनिया की नजर होगी, केवल शेयर बाजार की ही नहीं, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके बीच होने वाली सिंगापुर में मुलाकात। चूंकि एशिया में मुलाकात हो रही है इसलिए भारतीय बाजार दिन के दौरान इसको लेकर के खास तौर पे जागरूक रहेंगे और उस खबर पर, इस डेवलपमेंट पर खास तौर पे नज़र रहेगी। बाजार के जानकारों का कहना है कि यदि इतनी भी सहमति बन जाए कि आगे बातचीत जारी रहेगी तो बाज़ार उससे भी खुश होगा। भारतीय बाजार बंद होने के बाद CPI और IIP के आंकड़े आएंगे। उम्मीद यह है कि IIP 4.4 से बढ़कर 5.4 पर पहुंचेगा, यानी ग्रोथ बढ़ेगी तो अच्छी खबर होगी। लेकिन बुरी खबर आएगी CPI के मुहाने पे, जहां 4.5 के आसपास से बढ़कर महंगाई का आंकड़ा करीब करीब 5% के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकता है। इसके अलावा कल अमेरिका के फेडरल रिजर्व यानी वहां के जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी बैठक होगी, बैठक की शुरुआत होगी। हमारे बाज़ारों के लिए रिएक्शन का मौका हालांकि गुरुवार को आएगा, क्योंकि बुधवार को हमारे बाज़ार बंद होने के बाद इसका नतीजा निकलेगा। शुक्रिया प्रदीप। लेकिन चलिए विस्तार से बाजार की चाल पे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीओजीत फाइनेंशियल के हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट गौरांग शाह। गुड इवनिंग गौरांग, स्वागत है आपका। तो बाजार ने आज हफ्ते की शुरुआत तो कर ली है, लेकिन अब मेरे ख्याल से कल का काफ़ी अहम ट्रिगर है जहां बाजार की चाल पर हमें क्लैरिटी मिल पाएगी। ये बताएं कि बाजार क्या आंक रहा है अब तक, किस तरह की बैठक का नतीजों का इंतजार है बाजार को? बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या मेरे तरफ से भी। तो पहली बात तो एक ऐतिहासिक मिलाप होगा कल, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन मिलेंगे, और ये पहली बार हो रहा है इतिहास में। और क्योंकि ये बैठक हो रही है तो नजरिया तो लोग रख रहे हैं कि शायद सकारात्मक ही हो अगर मिल रहे हैं तो, अगर नहीं मिलना होता तो बात इतने आगे तक नहीं बढ़ती। लेकिन इससे ज्यादा प्रभाव बाजार पर पड़ेगा, हमारे बाजार पर खास करके, नकारात्मक परिस्थिति अगर आप पूछते हैं तो, वो मुझे नहीं लग रहा, पहली बात। दूसरी बात, 5 जून यानी कि पिछले हफ्ते ही हमने एक निचला स्तर बनाया था 10,550 का। वहां से आज सुबह के अगर आप कारोबार की बात करें तो हमने करीबन 10,850 का स्तर छुआ, 300 पॉइंट रिकवर किया है निफ्टी ने। और उस लिहाज से अगर थोड़ा बहुत 50, 60, 70 पॉइंट का करेक्शन भी आए, कंसोलिडेशन हो, मुनाफा वसूली हो,
तो ये कोई बहुत घबराने या चिंता वाली बात नहीं है, ये बाजार की सेहत के लिए बहुत ही दुरुस्त होगा, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूल लिया। और रहा सवाल हमारे यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा ट्रिगर तो अब हमें देखना होगा कि बारिश का मौसम किस तरीके से चौतरफा फैलता है और कितनी बारिश होती है संपूर्ण भारतवर्ष में और उससे कृषि क्षेत्र के ऊपर कैसा असर पड़ता है। तो क्लियरली यहाँ पर कल की अहम बैठक है, लेकिन घरेलू फैक्टर्स भी बाजार के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन इक्विटीज़ के अलावा कमोडिटीज़ पे भी हम किस तरह से इस अहम बैठक का असर पड़ता हुआ देखेंगे, इस पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ कार्वी कॉमट्रेड के रिसर्च हेड रवि सिंह भी अब जुड़ गए हैं। रवि, अहम फोकस होगा कच्चे तेल की चाल पर और साथ ही बेस मेटल्स की चाल पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी, लेकिन पहले क्रूड की बात करते हैं जहाँ पर गिरावट का सिलसिला थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी लगता है हमारे साथ रवि है नहीं फोन लाइन पे। तो गौरांग, ओवरऑल इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी बाजार की भी नजर होगी इस अहम बैठक पर? बिल्कुल होगी और थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में से कोई बड़ी मात्रा में आपको लोहा निकलते हुए दिखता है या फिर कच्चा तेल निकलते हुए दिखता है या फिर नेचुरल गैस निकलते हुए दिखता है, लेकिन हाँ एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आपको जरूर देखने मिलेगा। हम ये मानते हैं कविता के कच्चे तेल के दाम $80 के पास या ऊपर जाने की संभावना हमें कम लग रही है फिलहाल इस परिस्थिति में, और संभवता यह है कि शायद 75 तक तो आ ही गया ब्रेंट और करीबन 65 तक नाइमेक्स आ चुका है। हो सकता है ब्रेंट धीरे धीरे करके 70 पर आए और शायद 60 के आसपास नाइमेक्स चला जाए, उस परिस्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक बात होगी। खाली एक ही डर है, रुपया कितना कमजोर होता है या कितना मजबूत होता है डॉलर के सामने, ये देखना जरूरी होगा। ऑलराइट, और इस बीच कार्वी कॉमट्रेड के रवि सिंह हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। रवि, क्रूड में गिरावट थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी कल बैठक है, ऐसे में कमोडिटी बाजार की नजर भी इस पर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए इस समय जो अभी क्रूड ऑयल गिरा हुआ है उसके पीछे का रीजन तो जिस तरीके से रिग काउंट जो है वो 2016 से अभी तक हाईएस्ट पे है, यानी 862 इस समय रिग काउंट हो चुके हैं। रशिया भी जो एक टाई अप था कि 11 मिलियन बैरल पर डे सप्लाई रखेगा, उसमें भी थोड़ा सा स्लाइटली अपसाइड उन्होंने अपनी जो है वो सप्लाई बढ़ाई है। तो ऐसे रीजंस की वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो सिनेरियो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। इमीडिएट बेसिस पे WTI क्रूड $62 तक, और खासतौर से यहाँ पर अगर ब्रांड क्रूड देखें तो जरूर $2 से $3 तक का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग मोमेंटम एक जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्रूड के लेवल्स को हम अगर ट्रांसलेट करना चाहें भारतीय बाजार के लिहाज से तो वो कहाँ होगा, क्या होगा और साथ ही क्या रणनीति आप रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए इस समय के जो लेवल्स चल रहे हैं जिससे 4430 रुपए का लेवल आ रहा है, बाहर रुपए को अगर कंसीडर करके देखें तो मुझे लगता है एक बार 4350 या 4400 से नीचे तक के रेट, ज्यादा उससे ज्यादा नीचे के रेट नहीं देखने को मिलेंगे। और भारतीय बाजारों में वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि रुपया अभी हाल फिलहाल में वीक होने से के बजाय स्ट्रांग हो रहा है, तो अगर वीकनेस की तरफ जाता भी है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं होगी, 4300 तक के लेवल इमीडिएट टारगेट पे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, बेस मेटल्स को लेकर क्या कहेंगे? हमने देखा था कॉपर में 1% या उससे ज्यादा की कमजोरी भी थी, लेकिन अब वहां से थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं 0.5% की कमजोरी कॉपर में बनी हुई है। कविता जी, कॉपर या पूरे मेटल की बात करें तो थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, चूंकि रुपया भी हमारे यहाँ का अभी स्ट्रांग हो रहा है, वापस से रुपए की टारगेट को अगर देखें तो मुझे लगता है कि 67.20 और 66.7 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो 10-20 पैसे जो स्ट्रेंथ होगी उसकी वजह से मेटल्स में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कॉपर के लेवल की बात करें तो 480 तक के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। जिंक की बात करें तो 1000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपको जिंक में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन लेड और एल्युमिनियम इनमें थोड़ा सा और बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपके मुताबिक किसी बेस मेटल में रणनीति बनाने का समय है या रुक जाए? देखिए, अगर इंट्राडे के हिसाब से आज का जो बचा हुआ सेशन है इसके हिसाब से अगर कर रहे हैं तो जरूर यहाँ पर एक सेल की रणनीति बनानी चाहिए, और अगर आपका 15 से 20 दिन 25 दिन का व्यू है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फिर से नए ट्रेड डालने के लिए और बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और सलाह देने के लिए रवि।
आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से जुड़ते हैं गौरांग शाह से ही। तो गौरांग, अगर हम इक्विटी बाजार की और ट्रिगर्स के लिहाज से बात करें तो ASM यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर की सूची को सेबी ने और बढ़ा दिया है और आज नीलामी प्रक्रिया में गई 75 कंपनियों को सेबी ने ASM सूची में डाल दिया और इन कंपनियों में भूषण स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील, JP इंफ्रा और पेट्रोल इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां समेत 74 कंपनियां भी शामिल हैं। आपका टेक इस पूरी प्रक्रिया पर जो सेबी अपना रहा है? देखिए, पहले तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से उठा पटक या फिर वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं कविता, उसको मद्देनजर देखते हुए ताकि जो छोटे निवेशक हैं उनको ज्यादा हामी ना पहुंचे, उस कारण को लेकर के ऐसे सब कदम उठाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन पूरी सूची में कुछ बहुत ही अच्छे नाम भी हैं और बहुत ही बुरे नाम भी हैं और हमेशा हम यही दरखास्त करते हैं दर्शकों को और निवेशकों को कि अगर आपने नजरिया लंबी अवधि का रखा है, कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जानकारी रख करके निवेश किया है तो उसमें घबराने या फिर चिंता करने की बात नहीं है। चिंता उन लोगों को करनी है जो कारोबारी या फिर छोटी या मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं या फिर सौदे लिखते हैं, मेरे ख्याल से उनको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। ये स्टेटमेंट में ओवरऑल पूरी जो लिस्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ और जैसे मैंने जिक्र किया इसमें कुछ कमजोर नाम भी है, वहां से थोड़ा चौंकाना रहने की हमारी राय। ऑलराइट, लेकिन थोड़ा सा ऑटो क्षेत्र की ओर मैं चाहती हूँ कि अपनी राय आप दे दर्शकों को, क्योंकि जो मई में गाड़ियों की बिक्रियों की रफ्तार जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी रफ्तार भरे आए हैं, तो ओवरऑल आपका टेक इस पूरे सेक्टर में और अगर रणनीति बनाने का समय है तो किसे बनानी चाहिए? तो खरीदारी की कवायद तो हम काफ़ी लंबे समय कर रहे हैं, हम चौपहिया दोपहिया कमर्शियल व्हीकल्स ट्रैक्टर्स एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में, और उस लिहाज से आज जो आंकड़े आए और जिस तरीके से हमने डबल डिजिट ग्रोथ देखी है सभी वर्टिकल्स में व्हीकल्स, उससे उत्साह तो डेफिनेटली बनता है। चौपहिया वाहनों में मारुति, टाटा मोटर, M&M ये श्रेणी होगी। टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, आइशर मोटर्स, ये श्रेणी के हिसाब से होगा। कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड और ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट्स में एस्कॉर्ट्स और M&M फिर से यहाँ पर शामिल होगा क्योंकि इनके पास भी कारोबार काफी बड़ा है एग्री इक्विपमेंट ट्रैक्टर का। ऑलराइट, लेकिन चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और निफ्टी स्ट्रैटेजीज आपको बताने का समय आ गया है जहां पे मुदित गोयल की रणनीति पेश करेंगे। सबसे पहले खरीदारी की सलाह है 10,730 का स्टॉप लॉस 10,900 के टारगेट के लिए। थानेश्वर पदवल बिकवाली की रणनीति लेकर आए हैं 10,850 का स्टॉप लॉस 10,680 का टारगेट। सिमी भौमिक खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रही हैं 10,740 का स्टॉप लॉस 10,825 से लेकर 855 का टारगेट इनके मुताबिक आपको अपनाना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स में अनुज दीक्षित टाइटन में बिकवाली की रणनीति आपको दे रहे हैं 915 का स्टॉप लॉस 870 के टारगेट के लिए। डेरिवेटिव्स में चंदन तपाड़िया लेकर आए हैं बजाज फाइनेंस में खरीदारी की रणनीति और इनके मुताबिक 2215 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 2330 के टारगेट के लिए। तो ये जानकारों की राय है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। गौरांग, बताएं आपने वैल्यू पिक के तौर पे किस स्टॉक को आज चुना है? तो कविता, आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक कंपनी को चुना है और ये कंपनी रोड रिलेटेड कारोबार में काफी बड़ा काम करती है, करीबन 9,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास और हमने इस कंपनी को इसके लिए चुना है क्योंकि आज हमने कुछ समय से ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ करेक्शन भारी होते हुए दिखा है, उस करेक्शन को मद्देनजर रखते हुए और जो करेक्शन PNC इंफ्रा में आया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका है अगर किसी के पास लंबी अवधि का नजरिया है तो। खाली एक ही यहाँ पर कवायद ये होगी कि नजरिया अगर आप PNC इंफ्रा में निवेश करते हैं तो कम से कम 2-3 साल का रखें अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन मुनाफा चाहिए तो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी में समय लगता है कविता ऑर्डर बुक को कम्प्लीट करने के लिए और नतीजों के ऊपर उसका एक सकारात्मक असर लाने के लिए। दो या तीन साल के नजरिए से अगर आप निवेश करते हैं तो 210 का लक्ष्यांक बनता है जो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो काफी आकर्षक है। 2-3 साल का नजरिया, PNC इंफ्राटेक आपकी आज की वैल्यू पिक है, 210 का टारगेट आपको लगता है कि इसमें मिल जाएगा, लिहाजा थोड़ा लंबा नजरिया आपको रखना होगा। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी है चार्ट का चैलेंज का विजेता आपको बताने की। आज
सुबह हमने आपको एक कंपनी का एक साल का टेक्निकल चार्ट दिखाया था जिससे आपको पहचानना था, और हमने आपको दो क्लूज भी दिए थे। हमारा पहला क्लू था कि कंपनी का एनसीआर में एकाधिकार है, और दूसरा था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है। चार्ट का सटीक अंदाजा लगाया दिल्ली के कुलदीप ने। कुलदीप को बहुत बहुत बधाई, और हम उनसे कल सुबह 11 बजे सौदा आपका में बात करेंगे। और अगर आप भी हमारे इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए और मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर कैपिटल्स में CHART लिखिए, स्पेस देकर अपना जवाब यानी कि कंपनी का नाम लिखिए, और ये SMS कर दीजिए हमें 5818 पर। पहला सवाल राजकोट से अरविंद का लेंगे, और गौरांग टाटा पावर में उन्होंने खरीदारी कर रखी है, 83 इनकी बाइंग प्राइस है। ट्रेडर है या निवेशक उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इन्हें रुकना चाहिए तो किस टारगेट के लिए आपके मुताबिक? तो कविता, बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार कर रही है ऊर्जा क्षेत्र के लिए, और हमें लग रहा है कि ऊर्जा उत्पादन कंपनियां काफी यहाँ से इनको फायदा हो सकता है। अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने। ओके, तो अगर आपको लंबा रुकना है तो फिर आप स्टॉक में रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और फरीदाबाद से हर्ष जैन का सवाल कोटक महिंद्रा बैंक पे है, 1267 इनकी बाइंग लेवल है। गौरांग क्या कहेंगे? बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, मझौली निजी क्षेत्र की बैंक काफी बेहतरीन नतीजे पिछले 6-8 तिमाही से लेके आ रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन कवरेज हमारी, किसी भी गिरावट पर ऑर्डर हो सकते हैं। चलिए, तो गिरावट पे और भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीएसयू लिस्ट में कोई आपके रडार पर बैंक जहां पे आप टारगेट्स देना चाहें? ये थोड़ा पेचीदा और मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो हालात सरकारी बैंकों की है और जिस तरीके से नतीजा है, हमें ऐसा लग रहा है कि बुरे से बुरा जो समय था वो अब दूर हो चुका है। 2 साल से ज्यादा के नजरिए से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 345 का लक्ष्य, उसी समय सीमा से बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमारा लक्ष्य 220 का है, और इंडियन बैंक के ऊपर हमारा लक्ष्य करीबन 485 का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, और बैंगलोर से महिंद्रा का सवाल जिंदल ड्रिलिंग पे है, और 209 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए, इस कंपनी पर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से परिवर्तन क्या करते हैं और धातु क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देते हैं, तो वहां पर मुझे लग रहा है हिंडाल्को एक बेहतरीन पसंद है। चलिए, हिंडाल्को में तब्दील करना पड़ेगा आपको अपना सौदा, ये सलाह दी जा रही है गौरांग की तरफ से। मोहाली से जयन व्यास का सवाल सन फार्मा में है, और 510 इनकी बाइंग प्राइस है। पिछले 2-3 दिनों से अच्छा ऊपर की तरफ का दायरा देखा है, लेकिन जो भी सकारात्मक खबरें हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को लेकर के, मुझे लग रहा है कि 550 तक पूरे फैक्टर्ड है। हमारी भी क्वालिटी रहा है, परिवर्तन के रूप में अगर फार्मा क्षेत्र में ही निवेश करना है तो अरबिंदो या नैटको फार्मा ज्यादा अच्छा लगता है हमें लंबी अवधि के लिए। क्या टारगेट है आपका पहला जो आपने अभी तक आंका होगा इनके लिए? अरबिंदो में हमारा लक्ष्य करीबन 860 का, और नैटको फार्मा में हमारा लक्ष्य 985 का। चलिए, तो लंबा नजरिया आपको हालांकि रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, और पंकज भंडारी का सवाल L&T फाइनेंस पे है, और 10 साल तक इन्हें होल्ड करना है ये स्टॉक। चॉइस तो इनकी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या सलाह होगी इनके लिए? मेरे ख्याल से 50 के लेवल के आसपास खरीदारी कर रखी है, तो इनका तो लेवल भी काफी शानदार है। तो पहले तो स्टॉक की पसंद बहुत बेहतरीन, और उतनी ही बेहतरीन इनका निवेश की समय सीमा है। 10 साल का नजरिया रखते हैं, 10 साल में काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, हमारी भी कवरेज है, और हमें लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में बेहतरीन से बेहतरीन नतीजों के आधार पर इधर रिटर्न मिलेगा। खाली एक ही दरखास्त है, इतना लंबा नजरिया है, जो नतीजे आते हैं उस पर ध्यान दें, और जो खबरें उभर करके आती है उस पर ध्यान दें। ऑलराइट, और बने रहें, आपको ये सलाह दी जा रही है। गोविंद शरण शर्मा का सवाल है, इनके पास टाटा स्टील है 600 पर, क्या करें? काफी सकारात्मक स्तर पर निवेश, हाल ही में जो भूषण स्टील का इनको एक्विजिशन मिला है NCLT के, वो कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी, और भूषण स्टील की जो कैपेसिटी है उसको करीबन 2 गुना और बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने करीबन 32,000 या 35,000 करोड़ की रकम चुकाई है भूषण स्टील के लिए। हमारा लक्ष्य करीबन 785 से लेकर के 820 का है लंबी अवधि के नजरिए से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, IOC पे पंकज पूछना चाहते हैं सवाल, 187 की खरीद है इनकी। किसी भी गिरावट में और जुड़े आप,
ये जो कच्चा तेल ऊपर नीचे जाता है उससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डेली डायनामिक प्राइसिंग पर अब काम करती है फॉर्मूले पे। और मैंने अभी जिक्र किया था कुछ समय पहले, कच्चा तेल हमें नहीं लग रहा है कि ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और उस परिस्थिति में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा। ओके, साहिल वालिया का सवाल है टेक महिंद्रा पर, क्या व्यू है कल के लिहाज से, पूछ रहे हैं ये खास तौर से। देखिए, छोटी अवधि के लिए तो हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आईटी क्षेत्र ने पिछले 6-8 महीनों में काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं। 2 साल से हम कवायद कर रहे थे निवेश करने के लिए, जब कोई इसको पसंद नहीं करता था। आमदनी जो आई है कविता, उसके आधार पर मार्केट की जो उम्मीद थी उससे बेहतर आई है, और मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि फ्यूचर आउटलुक जो है कंपनी का नतीजों के आधार पर वो भी बेहतर होगा। अब सवाल इनको पूछना चाहिए अपने आप से कि आप लंबी अवधि के नजरिया रखते हैं, आप छोटी या मध्यम अवधि का, उस लिहाज से वो काम कर सकते हैं। ऑल राइट, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, गौरांग डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कविता, निजी निवेश नहीं है लेकिन हमारे क्लाइंट्स को हम इसी तरह राय देते। धन्यवाद समय निकालकर अपनी राय दर्शकों को देने के लिए, और कल का बाजार में इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन रही CNBC आवाज के साथ ही, नमस्कार।